ओके जी, स्टार्ट करेंगे इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है, क्या एप्लीकेशन थी फिजिक्स में इंटीग्रेशन की जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में? काहे यूज करते हैं हम फिजिक्स में एप्लीकेशन इसको, इंटीग्रेशन को? कहाँ से कहाँ निकाल, कहाँ से क्या चीज निकाल लेते हैं हम? एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। यस, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलती है। ठीक है जी। अच्छा, उस दिन हमने एक दो सवाल किए थे शायद इसके, ना एक ही किया था। चलो आज और करते हैं। ओके, आज जो सवाल करेंगे उसमें है एक नई चीज। उससे पहले एक सिंपल सवाल करेंगे, फिर हम एक मुश्किल सवाल करेंगे। ठीक से करना इसको, ध्यान से पढ़ के, ध्यान से सवाल को पढ़ना है। चीजें जो दे रखी हैं उनको ध्यान से हमें यूज करना। सक्षम, करेक्ट, गुड। अंशिका नहीं, एक छोटी सी गड़बड़ है। विद्योत्मा करेक्ट है। अरीना, सबको भेजते आंसर है। आर्जा करेक्ट। समृत ना, मनजोत ना। अबे अरीन, हर बार कितनी बार भेजेगा भाई सबको? भूमि करेक्ट। आशी नो, पुष्पिंदर करेक्ट है। नंदिनी करेक्ट है। बाकी लोग श्रेया, छोटी सी गलती है। मैत्री, मैत्री अनम्यूट करना जरा। यस ये तुमने क्या लिखा है कि BT into 3/6? सर, नो सर, वो ब्रैकेट नहीं डाला था। 3/6 मतलब 1/2 हो गया ये, हैं? नो सर, क्या भेजा है ये? ब्रैकेट तो तुमने 3/6 में डाली है।
ब्रैकेट नहीं डालना, दोबारा भेजो। शिवम ठीक है, श्रेया ठीक है, पर नूर ठीक है, मनराज ना छोटी सी गलती है, जीनत छोटी सी गलती है, हर्षिता छोटी सी, नहीं हर्षिता ठीक है, अंजुल ना, चलो देखते हैं, मैत्री, अरे मैत्री ठीक है, चलो मान लिया, अरे इधर देखेंगे सारे, अब ध्यान देंगे। आ गया आंसर, इशिता करेक्ट, हरनूर करेक्ट, मनराज करेक्ट, तो मैक्सिमम जनता का ठीक है, चलेगा। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, जीनत ठीक है, ये जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो पहले आंसर करते थे अब नहीं करते। अनुष्ठा तुम्हारा आंसर नहीं आया, अश्मित सर मुझसे हुआ नहीं, वही नहीं, अच्छा जसमन, रिया ठीक है, भूमि हेडफोन तुम्हारा, एंड दोनों भूमि, चलो लेट्स सी। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या ले रखी है, हाँ के ना, एक्सेलरेशन इज बी इन टू टी, राइट, यहां से हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड करना है इन टाइम टी, है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v0, right. It starts from origin, ठीक है, मतलब and at t is equal to zero, हमें क्या क्या दिया हुआ है at t is equal to zero, एक तो x जो है वो zero है, starts from origin, दूसरा जो velocity है वो कितनी दे रखी है, v naught, t is equal to zero, मतलब initial velocity हमें दे रखी है v naught, ठीक है, तो therefore हम यहाँ से अगर मुझे velocity find करनी है, तो I'll write dA को लिख देते हैं, dV by dt is equal to, जो a होता है dV by dt होता है, इसकी value है b into t, तो यहाँ से dV क्या आएगा, b t dt, और इसको हमें दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स डालनी पड़ेंगी, लेफ्ट साइड में लिमिट्स किसकी डालेंगी, वेलोसिटी की, नीचे कौन सी लिमिट होती है, नीचे लिमिट होती है कौन सी, इनिशियल, इनिशियल कितनी है, v naught, फाइनल कितनी है, v, फाइंड करनी है हमें, इनिशियल टाइम कितना है, जीरो, फाइनल टाइम क्या लेंगे, ठीक है, अच्छा अब डिफरेंस ना इंटीग्रेशन करते हैं, dv की इंटीग्रेशन, v0 - v, नहीं नहीं डीवी की इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ मैं, लिमिट्स नहीं डाल रहे अभी, डीवी की इंटीग्रेशन v, डीवी की इंटीग्रेशन इज v, अरे हाँ के ना, यस सर, यस सर, यस सर, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये from v0 to v, यहाँ में लिमिट डालनी है, इधर b constant है, बाहर निकलेगा, integration of t is t square by 2 from 0 to t, ठीक है, अब लिमिट डालेंगे, पहले कैसे लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तुम लोग बाकी सो रहे हो क्या, क्लास बंद कर दें, नो सर, पर नहीं आज पढ़ाई कर लेते हैं, अदरवाइज क्लास बंद कर देते, काहे मेरी भी मेहनत फालतू की करा रहे, तुम लोग भी फालतू में बैठे हो इधर, एक डेमो दूं तुम लोगों को,
लिमिट्स डालो इधर क्या होंगी बी ऐसी रहेगा यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी पहले टी की अपर लिमिट क्या है टी की टी स्क्वायर बाय टू भी बाहर निकाल दो माइनस जीरो स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाय टू देयरफॉर मेरे पास वी आया क्या वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय टू ये मेरे पास वी आ गया ठीक है अब मुझे क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा dx by dt v by dt इसको करना पड़ेगा dx by dt dx by चलो x लिख लो ऐसे लिख लो एक ही बात है x लिख लेते हैं dx by dt तो यहां से और इसकी वैल्यू है v की वैल्यू हमें दे रखी है v not plus bt square by 2 तो यहां से आया मेरे पास dx is equal to v not plus bt square by 2 into dt दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स लिमिट एक्स की पहले राइट हैंड साइड में किसकी लिमिट रहेगी राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस डिस्टेंस की राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड टाइम की टाइम की टाइम की फ्रॉम 0 टू टी टाइम 0 पे एक्स कितना है 0 सवाल में दे रखा था यस सर ठीक है यहाँ पे मैं दे रखा है तो और फाइनल एक्स हमें फाइंड करना है एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम जीरो टू इज इक्वल टू अब इसको अलग अलग कर देंगे यहाँ पे सम रूल लगेगा वी नॉट तो कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस बी बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ t square dt from 0 to t from 0 to t dt की integration t from 0 to t plus b by 2 t square की integration t cube by 3 from 0 to t limits put कर देंगे तो x minus 0 आ जाएगा v not t plus b t 3 by 6 answer This is the displacement in t seconds. क्या ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है जी, बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। क्या कर दूँ? स्क्रीन। ऊपर करूँ? Yes, sir. लो। हो गया यस सर ठीक ये क्वेश्चन करो Excuse me, sir. हाँ जी सर यहाँ पे जैसे k को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है अब इसको हम a माने या फिर कांस्टेंट ही माने इसको क्या माने इसको एक्सेलरेशन माने या फिर कांस्टेंट ही माने नहीं वहाँ पे तुम वैल्यू पुट करो बस इसकी k की जगह ओके सर ठीक
सबका सही है अभी तक तो। अंशिका, जीनत, विद्योत्मा, सक्षम, आर्जा, प्रणव, पुष्पिंदर, आंचल, अंशुल, अमृत, अनन्या, अर्शप्रीत, समृत गलत है बस, सर्षिता, भूमि, शिवम, रिया करेक्ट, अश्मित करेक्ट, गुनगुन करेक्ट, सहज नाई, परनूर करेक्ट, जसलीन नहीं, मनराज, रोहन करेक्ट, आशी करेक्ट, समृत क्या किया तूने? सर मैंने मतलब की के की वैल्यू बदली थी सर, तो फिर वेलोसिटी आ गई थी इक्वल टू 2t आ गई थी, तो फिर सर उसे जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ s डिफरेंशियल ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t करके उसको इंटीग्रेट करके फिर वेल आंसर निकाल दिया था। कितनी इंटीग्रेशन आई सर? 3 और ही इंटीग्रेशन करके क्या आया 2t का इंटीग्रेशन करके? सर टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू डालेगा जब स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? ओके ठीक है ठीक है। आशीष, श्रेया, रिया, कोइन करेक्ट, सहज नहीं, नंदिनी, प्रभनूर एंड जाशीन करेक्ट। ठीक है सही है, तो इसको कर लेते हैं अभी। सिंपल सवाल हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू के टी, के की वैल्यू दे रखी है 2t। हमें ये भी पता है कि वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, और जिसकी वैल्यू हमें 2t दे रखी है, तो देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। ठीक है, अब टाइम स्टार्ट फ्रॉम 0 टू कहां तक लेना है? 3 तक, और x 0 टू x 0 बस खत्म। देयरफॉर x इंटीग्रेशन और 2t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 3 दैट कम्स आउट। एक्सक्यूज मी सर। हां जी सर, जब हमें x की लिमिट ना दी हो तो हम बाय डिफॉल्ट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं। अगर नहीं भी मानेंगे ना तब भी कोई चक्कर नहीं है, देखो करके बताता हूँ। वैसे तो बाय डिफॉल्ट 0 मान लिया करो, अगर मैं बाय चांस यहाँ पे नहीं मानता तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या लिखता है? x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x फ्रॉम x1 टू x2, तो क्या आ जाता है x2 माइनस x1, एंड व्हाट इज फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने इनिशियल पोजीशन 0 मान ली तो उसे x रहेगा, बस थोड़ा सा बस इतना है फर्क, अदरवाइज तो चीज वही है, राइट? ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
सक्षम अंशिका जीनत करेक्ट गुड एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर हमने सेकंड क्वेश्चन में v इज इक्वल टू kt क्यों किया हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट भी तो कर सकते थे v इज इक्वल टू यहां पे kt यस सर v इज इक्वल टू kt क्यों लिया तो दिया हुआ है सर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे पहले एक्सेलरेशन कहां है k इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज दिस एक्सेलरेशन साइंस वो थे ना तो यूनिट जरूरी नहीं है ना क्योंकि वो उसी से एक्सेलरेट कर रही हो ओके सर वैसे एक्सेलरेशन अगर तुम एक्सेलरेशन को तुम इंटीग्रेट करोगे भी तो आएगा क्या देखो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन मान लेता हूँ चलो ठीक है मान लिया एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन कितनी है टू इसको इंटीग्रेट करो सिमरत यस सर इंटीग्रेशन ऑफ टू इज सर ये करना चाहते हो ना तुम v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt यस सर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 सर 2 तो बाहर आ जाएगा आ गया 2t 2t आ गया ना तो वही तो लिया हमने ओके सर प्रणव अर्श प्रीत अमृतपाल विद्योत्मा भूमि इशिता करेक्ट अरीन करेक्ट शिवम करेक्ट सहज करेक्ट आशी करेक्ट नंदिनी करेक्ट अनन्या रोहन करेक्ट लीजा ये ऑप्शन में है 80 नो सर मैंने ऑप्शंस नहीं देखी गलती हुई सॉरी जसलीन करेक्ट है पुष्पिंदर करेक्ट है बढ़िया यार तुम लोगों ने तो कर दिया इस सवाल को एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे वैसे इतने बच्चों का ये आंसर जो है वो सही होगा इतने इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग ऋतिका असीम प्रभु ठीक है समर्थ ठीक है गुनगुन ठीक है विद्योत्मा यस सर चलो बताओ क्या किया तुमने एक्सेलरेशन गिवन है तो सर वेलोसिटी निकाल ली इंटीग्रेशन से नहीं नहीं एक स्टेप बाय स्टेप बताओ ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 प्लस 4 अब हमें से वेलोसिटी निकालनी तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होती है सर मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम डीवी बाय डीटी करके तो डीवी इज इक्वल टू ए डी टी और दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 60 प्लस 4 dt ओके ना लिमिट्स बताओ इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में वेलोसिटी की डालेंगे हाँ बोलो
नीचे क्या आएगी? सर जीरो क्यों? सर रेस्ट से यस, इनिशियली द बॉडी हैज रेस्ट, ये सबको दिख रहा है? यस सर यस यस सर सर। तो यस इनिशियली अगर सर बॉडी यस रेस्ट सर है तो इनिशियल वेलोसिटी वी की इनिशियल लिमिट जो है वो क्या होगी? जीरो। फाइनल लिमिट वी वी। टाइम टाइम इनिशियल जीरो फोर जीरो और फाइनल? सेकेंड फाइनल 4 सेकेंड्स। पक्की गल है? सर मैंने तो ना डायरेक्ट यस सर सर 4 सेकेंड्स गिवन है, 4 सेकेंड। और तुमने ऐसे किया और तुम्हारा आंसर आ गया? मैंने तो डायरेक्ट ही लगा दिया, मतलब मेरे को डायरेक्ट मतलब मतलब सीधी सीधी इंटीग्रेशन कर दी सर, फिर आ गया था। लिमिट्स नहीं डाली। सर लिमिट्स अगर नहीं डालोगी ना तो अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। बताती हूँ तुम लोगों को। इसमें पहली बात तो यहाँ पे लिमिट हम आएगा टी क्यों डालेंगे इधर? डिस्टेंस की डिस्टेंस चाहिए, फोर सेकंड दी हुई है, क्या 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 सुन नहीं रहा? डिस्टेंस का टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है, हम अभी वेलोसिटी निकालना है। राइट, हमें डिस्टेंस निकालना है 4 सेकंड्स पे, वेलोसिटी नहीं निकालनी 4 सेकंड पे। हम अभी क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? डिस्टेंस अभी वेलोसिटी कर रहे हैं। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कौन सा अभी? वेलोसिटी। लेकिन हमें यूनिट जो है ना अपना, जो लिमिट है वो किसकी डालने लगे हैं? वो किसके किसके लिए गिवन है? डिस्टेंस हमें वेलोसिटी नहीं पूछी 4 सेकंड बाद कितनी होगी, तो हम वेलोसिटी में 4 सेकंड इधर नहीं डाल सकते। इधर हम लिखेंगे टी। हम जनरल एक एक्सप्रेशन निकालेंगे वेलोसिटी का, ठीक है? क्या निकालेंगे? जनरल एक एक्सप्रेशन निकालेंगे वेलोसिटी का। डीवी की इंटीग्रेशन थ्री डी स्क्वायर वी 0 to v इज इक्वल टू 6t की इंटीग्रेशन हो जाएगी। 6t² / 2 + 4t फ्रॉम 0 to t। तो यहां से मेरे पास v का एक्सप्रेशन बनेगा, v इज इक्वल टू 3t² + 4t। कोई दुख तकलीफ इसमें? नो एक्सक्यूज मी अब सर, हाँ जी सर जो हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन किया था एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली सर, उसमें हमने निकालना था डिस्टेंस एंड टाइम टी, तो हमने उधर भी टी ही लिया था। उधर भी टी लिया था। कौन है ये? कौन पूछ रहा है? वृष्टि। वृष्टि वृष्टि उधर हमने टाइम टी, एक्चुअली जो मैंने वेलोसिटी में टाइम टी पुट किया ना वो जनरल वाला टाइम है, उसने जनरल टाइम ही पूछा है। डिस्टेंस में भी बाय चांस मैच कर गया वो, ओके सर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखा होता मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लेट्स से t1 सेकंड्स, लेट्स से, तो यहाँ पे मैं t1 ना लिखता, नो t लिखता। ओके सर तो फाइनल जो क्वेश्चन वाली लिमिट होती है वो उसमें ही डालनी होती है जिसकी वो लिमिट क्वेश्चन में दे रखी हो, जिसकी वो लिमिट क्वेश्चन में दे रखी है, डिस्टेंस की दे रखी है। जैसे यहाँ पे तो डिस्टेंस कैलकुलेशन के टाइम पे ही 4 सेकंड डालेंगे, उससे पहले हमें जनरल निकालना होगा। अच्छा, अब हम निकालेंगे क्या? dx हमें पता है वी डी टी होता है, तो दोनों साइड पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ से डीएक्स की इंटीग्रेशन जब करेंगे, इनिशियल लिमिट 0 ले लो, कुछ भी ले लो, जीरो ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 3t² + 4t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकंड 0 to 4। राइट, अब डालेंगे हम 0 to 4 क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस की ही ना डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस ही पूछा था हमें 4 सेकंड बाद, इसलिए हमने टाइम की वैल्यू वहां पे 4 सेकंड डाल दी। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3t² / 3, हाँ 3t³/3 मतलब t³ रह जाएगा और वहां पे रह जाएगा 2t² टू टी स्क्वायर फ्रॉम 0 to 4। बस 4 ही डालना है, 0 to 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 96 मीटर। यस इज दैट वेरी क्लियर? यस सर यस सर यस बहुत बढ़िया, गुड है, गुड। अगला सवाल लिखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड सच दैट द
वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एज वी इज इक्वल टू टू टी प्लस वन मीटर पर सेकेंड. इसका हम इसको एक्सेलरेशन कर लो सच दैट इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज ए इज इक्वल टू टू टी प्लस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find the velocity and displacement of the body after 2 seconds. आराम से करना, टिकाई से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? इसमें बहुत कुछ कवर होने वाला है, गलत होने का चांसेस हाई है, गलत आपको करना नहीं है. ये तो चॉकलेट क्वेश्चन है, ज्यादा मत लगवा देना मेरी चॉकलेट्स, बजट इतना ही है. अरे के पल्ले फिर 10-10 वाली पड़ेंगी. नहीं तो नहीं दिया. मैं भी नहीं अंशिका, सक्षम, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. प्रणव भाई दोनों आंसर भेजने हैं. हरनूर वेरी गुड, अक्षिता आशी, ये माइनस है आंसर? नहीं सर, मैंने वो हाइफन डाला. अच्छा, पहला तो सही है तुम्हारा आशी. अंशिका का भी पहला सही था,
प्रभनूर पहला ही सही है, अमृतपाल पहला सही है, काव्या पहला सही है, अनिरुद्ध नहीं, प्रणव वो सर एक मिस्टेक हो, मैं दोबारा से सेंड कर रही हूँ। अच्छा प्रणव करेक्ट गुड। नहीं, प्रणव तुम्हारा पहला गलत है यार, मैंने दूसरा ही देख लिया सिर्फ, दूसरा एक्चुअली ज्यादा क्रिटिकल है। समृत पहला सही है, प्रणव अभी कितनी बार भेजेगा, नहीं अभी भी पहला गलत है। श्रेया ना, गुनगुन वेरी गुड, दोनों करेक्ट। समृत पहला करेक्ट, अमृतपाल पहला करेक्ट, अक्षिता पहला करेक्ट, सौमिल पहला करेक्ट, अंशल बहुत करेक्ट गुड, अनिरुद्ध नो, आंचल पहला करेक्ट, नहीं, आंचल गलत है, वृष्टि नो, अर्शप्रीत पहला करेक्ट, जसवीन नो, सिमरत पहला करेक्ट, जासीन नो, अमृत पहला करेक्ट, प्रभनूर नो, नमन पहला करेक्ट। ओके लेट्स सी, इसको देखते हैं। सहजप्रीत गुड, दोनों करेक्ट हैं। प्रणव गुड, अबे क्या झोल कर रहा था पहले, हैं सर वो जो मैं पिछले क्वेश्चन में T4 दिया था ना सर, मैं मतलब डिस्टेंस तो निकाली, मैं वेलोसिटी निकालना भूल गया था, वेलोसिटी निकाली तो मैं T4 के साथ टूट गया था हर बार। मेरे को बात तेरी वैसे समझ में आई सर नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पिछले क्वेश्चन में आपने मतलब T4 दिया था, मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाली, वेलोसिटी निकालते हुए मैंने टाइम को 4 ले लिया, टू देखा नहीं। टाइम को अच्छा, फोर ले लिया। आशी नहीं, अंचल पहला करेक्ट है, सिमरत समृत नहीं, चलो देखते हैं। अब इधर देंगे, देखेंगे सारे हैं, आईज ऑन द स्क्रीन नाउ। बॉडी स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी दे रखी है उसकी, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी दे इनिशियल रखी है, ठीक है, सच दैट इट एक्सेलरेशन वेरीज, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 2t+1। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो इससे अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा तो क्या आएगी, dv इज इक्वल टू adt मेरे पास होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम इनिशियल लिमिट 10 10 10 राइट, और फाइनल v v v a की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, a 2t+1, इनिशियल लिमिट 0 जीरो, फाइनल लिमिट टी टू टू और टू नहीं टू टू टी टू है सर, टी, इट इज टी, व्हाई, बिकॉज अगर मैं यहां पे टू डाल दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी का एक नंबर आ जाएगा, हाँ के ना, जस्ट यस सर, नंबर, यस सर, यस सर, वो मेरे को क्या बताएगा, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, हाँ के ना, यस सर, यस सर, लेकिन उसके बाद मुझे डिस्प्लेसमेंट भी तो बाकी है, अरे कल करनी कैलकुलेटर, उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी तो होना चाहिए, अरे हाँ कि ना, यस सर, ये बात हर एक के दिमाग में घुस रही है, यस बच्चे सर, करते हैं यहाँ पे गलती, ये गलती वाला क्वेश्चन है, बच्चे क्या करते हैं इधर गलती, अपने को नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है, तो 2 सेकंड डाल दिया, वेलोसिटी का एक नंबर आ गया, मान लो इधर क्या आ गया, v-10 = t²+t, उधर डाल दिया 2, 2 = 4, 6 आ गया बस, है ना, तो v आ गया 16, v क्या आ गया 16, अब v = 16 है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, sx आ जाएगा 16t, और उधर 2 डाल के 32 आंसर निकाल देंगे, बहुत बच्चों ने मेरे को भेजा है 32, अरे नहीं ये गलत है, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, हम अपने पास एक्सप्रेशन तो आया ही नहीं वेलोसिटी का, अरे हाँ के ना, यस सर, यस तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए अपने को जनरल टाइम डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, यस सर, तो हम जनरल टाइम डालेंगे इधर,
ठीक है, क्या डालेंगे जनरल टाइम टी। अच्छा अब इधर करेंगे डीवी की इंटीग्रेशन, वी वी फ्रॉम टेन टू वी इज इक्वल टू टू टी इज टी स्क्वायर प्लस टी फ्रॉम जीरो टू टी। तो मेरे पास आया वी माइनस टेन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। तो v का जो जनरल एक्सप्रेशन बना वो बना t स्क्वायर प्लस t प्लस 10, वो दुख तकलीफ नो सर ये v का एक्सप्रेशन बन गया। अब x का एक्सप्रेशन निकालने के लिए किसको इंटीग्रेट करूंगा, v के एक्सप्रेशन को, dx is equal to v dt इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ये सर मेरा गलत स्लो है, मैंने सीधा ही वैल्यूज डाल दी v वाली इक्वेशन में। हां वही गड़बड़ो, तो यहां पे आएगा 0 टू यहाँ पे, जब अब डाल दो चाहे मर्जी है आपकी। चलो हम जनरल एक्सप्रेशन निकाल ले, तुम लोग आदत बना लो जनरल एक्सप्रेशन की, ठीक है बाद में टाइम डाल दिया करो। तो जीरो टू टी डालने डाल दो, मतलब मर्जी है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कई बार ना इनिशियल टाइम भी दिया होता है तो तब तो डालनी पड़ती है लिमिट, तब तो हमारे पास कोई मतलब यहाँ पे फाइनल जो है डालनी पड़ेगी ना। चलो खैर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट पहले वैल्यू तो डाल दें उसकी, v की t स्क्वायर प्लस t प्लस 10 dt फ्रॉम 0 टू t। अच्छा इंटीग्रेट करो इसको x, और राइट साइड में क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 10t प्लस 10t। बढ़िया, ये दूसरा। अब मुझे निकालना है x 2 सेकंड पे और v भी 2 सेकंड पे, तो v at 2 seconds will be v की वैल्यू, यहां पे t की वैल्यू डाल देंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10, इसको सॉल्व करके मेरे पास 16 मीटर पर सेकंड आ गया। एंड x आफ्टर 2 सेकंड्स 74/3 ये आ जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर नहीं है 2 क्यूब बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 10 इनटू 2 दिस इज 74/3 मीटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है जी, हर एक के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो घुस गया। यस सर। यस सर। कुछ तो बस ये है कहानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। अब तुम लोग इसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो तोड़ सकते हो। पर अगर हम पहले ही लिमिट डाल देते डाल दो कहां पे x में ना, तो नहीं वेलोसिटी वेलोसिटी बारे में फिर तो अनुष्ठा कौन है? यस सर। हां तो अनुष्ठा क्या होगा, मैंने अभी बताया ना, तुमने सुना नहीं सर? मैंने v - 10 = t स्क्वायर + t के ऊपर लगाए डाली थी लिमिट, और मैंने 16 क्या यहां पे डाली थी? नहीं सर यहाँ नहीं, इससे अगले वाले स्टेप में। यहाँ पे? यस सर। वो एक ही बात है वो, तो ये तो यही चीज उतर के आ रही है इधर, तो मतलब नहीं डालनी सर यहाँ। ले वही तो बात है, अब तुम यहाँ पे अगर डालोगी तो वी का एक नंबर निकल आया होगा तुम्हारे पास v = 16 सर, वो बाद में भी 16 ही निकला। क्या सर हमने जब बाद में कैलकुलेट किया उसमें भी तो 16 ही आया। बी क्लियर इन योर वॉइस, आई एम नॉट एबल टू गेट इट सर, जो हमने बाद में कैलकुलेट किया वो भी तो 16 ही है। अरे बाद में कैलकुलेट तो किया है अनुष्ठा, लेकिन हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन ना आता तो मैं डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन कैसे निकालता? ओके सर। है ना, ये इसी को तो इंटीग्रेट करके निकला है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 16 को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा 16t? सर मतलब अगर हमने ना निकालनी हो डिस्प्लेसमेंट तो हम कर सकते हैं। फिर तो करेंगे ही। ठीक है। तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं जब, फिर तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यही गड़बड़ होती है, हमें पूछी होती है डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड्स, हम वेलोसिटी निकाल के बैठ जाते हैं 2 सेकंड्स, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का आंसर जो है वो 100% गलत आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो 2 सेकंड बाद आ रही है वो कौन सी वेलोसिटी है? Instantaneous. और displacement का expression हमें velocity के expression से मिलेगा, ना कि instantaneous. वो तो एक point की velocity है, उसका क्या करना है अपने को? हाँ कि ना? क्या ये बात बिल्कुल clear? Yes sir. Yes sir. Crystal clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है जी, आगे चलें फिर.
ये समाप्त होती है कथा किसकी? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। यही था आपका होमवर्क है, जो लास्ट पार्ट है उसका, एक्सरसाइज 0 और 1 का। और एक्सरसाइज 2 शुरू कर दी तुम लोगों ने ना? यस सर, यस सर। कैलकुलस वाली है ना? यस सर। कहां तक हो गया? यस सर, हो गया सर, कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया है। चलो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन रहेंगे, होंगे वो भी निपटा लेना, हम करेंगे डिस्कस कब? सैटरडे वाली क्लास में, ठीक है? राइट, तो सैटरडे वाली क्लास जो है वो मिस नहीं करनी, डिस्कशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, जल्दी हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा उसमें सवाल तुम लोगों के आएंगे, मेरे को पता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो होमवर्क नोट हो गया, आगे चलते हैं हम।